तुम्हारा कस्टम एचडी अच्छा होने बाद भी तुम गेम में हक देते हो, तुम्हारा सेंसिटिविटी अच्छा होने बाद भी तुम गेम में हक देते हो, और तो और तुम्हारा मूवमेंट अच्छा होने बाद भी तुम गेम में हक देते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा फायर बटन के साथ तुम ऐसे मिस्टेक करते हो, इसकी वजह से तुम्हारा गेम प्ले अच्छा होने के बाद भी बिगड़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में फायर बटन एंड रेड डॉट के बारे में कुछ ऐसे मिस्टेक बताने वाला हूँ जो आप में से हर कोई तीसरा बंदा करता ही होगा। अबे इतना ज्ञान मिल रहा है लोगों को, खुद का बताना, खुद रखते रहता हूँ गेम में जाके, और यहाँ चला आया हमारी मिस्टेक बताने। दोनों तो खुद का गेम प्ले बताना। ऐसा क्या? तेरी इच्छा भी पूरी करता हूँ, देख बेटा गेम प्ले। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। एक बंदी को तो कोई भी मार सकता, इसको मार के बता, चल इसको मार के बता। अबे इसके पास सोनिया डिमेंट्री है, तू तो गया बेटा। अबे भाई तू भी मार दिया, चल यूएम पे से तुम कोई भी मार सकता है, शॉर्ट गन से मार के बता। दो मिनट नहीं लगा ना। अबे भाई अजल शॉर्ट गन से मार गया, डेजर्ट से तो मार के बता। दो मिनट, तूने डेजर्ट से तो एक हेड शॉट भी नहीं मारा। अबे शांत रहे और गेम प्ले देख। ये आजकल के नोबो वाले बच्चे फालतू ही पंगा ले लेते हैं, जो भाग गया। तो गाइस आप में से हर कोई बंदे ने फायर बटन के ऊपर वीडियो देखा ही होगा, और वीडियो में ऐसा बताया जाता है कि फायर बटन बड़ा रखने से कम हेडशॉट लगते हैं एंड छोटा रखने से ज्यादा हेडशॉट्स लगते हैं, और रेड डॉट की सेंसिटिविटी ज्यादा रखने से ज्यादा हेडशॉट लगते हैं, कम रखने से कम हेडशॉट्स लगते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे यूट्यूब पर हर कोई दूसरा बंदा आके बोल के चले जा रहा है। तो चलो इसे आजमाया जाए एंड दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, एंड तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फायर बटन को लेके एंड रेड डॉट की सेंसिटिविटी को लेके। तो सबसे पहले फायर बटन साइज छोटा कर लेता हूँ, आप देखो कैसे हेडशॉट लग रहे हैं। सेम पहले जैसे ही हेडशॉट लग रहे हैं, जैसे मेरे पहले नॉर्मल बटन में पहले का फायर बटन साइज था वैसे ही सेम हेडशॉट लग रहे हैं छोटा रखने बाद भी। अच्छा बड़ा करने पर कम हेडशॉट लगते ना, तो चलो फायर बटन साइज बड़ा करके देखते। अरे इसमें भी बिल्कुल सेम वैसे ही लग रहे हैं जैसे छोटे फायर बटन साइज पे लगे थे। तो ये सब बात बकवास है गाइस, ये सब बात पे यकीन करना भी बेकार है और ये सब बात के पीछे पड़ना भी बेकार है। फायर बटन साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरी बात झूठ लग रही तो ये मैडम से पूछ लो। साइज मैटर नहीं करता, मैडम जी कुछ भी बोल रहे हो, हमारे ऑडियंस को बिगाड़ रहे हो। फायर बटन साइज का तो हो गया क्लियर में, अब रही बात रेड डॉट सेंसिटिविटी। तो चलो रेड डॉट सेंसिटिविटी में फुल कर लेता हूँ और चला कर देखता हूँ कि कैसे हेडशॉट लगते हैं। देखो जैसे ही पहले नॉर्मल हेडशॉट लगते थे वैसे ही बिल्कुल नॉर्मल हेडशॉट लग रहे। चलो अब सेंसिटिविटी पूरी कम कर लेता हूँ और देखता हूँ हेडशॉट लगते हैं या नहीं। ये लो बिल्कुल पहले जैसे हेडशॉट लग रहे हैं रेड डॉट की सेंसिटिविटी जीरो करने बाद भी। तो तुम्हारे अंदर क्वेश्चन होगा कि भाई ये रेड डॉट की सेंसिटिविटी जीरो करने के बाद भी हेडशॉट्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आजकल के निब्बे यूट्यूबर्स उन्हें पता ही नहीं है कि रेड डॉट की सेंसिटिविटी क्या है। अपना यूएमपी गन ले लीजिए या फिर कोई भी गन ले लीजिए और स्कोप ओपन करिए तो ये दिख रहा है ना आपको, इसे कहते हैं रेड डॉट। जब अपने गन में कोई भी स्कोप लगा हुआ नहीं होता है उसे रेड डॉट कहते हैं, और उसी चीज की है वो रेड डॉट सेंसिटिविटी। अब बात है ध्यान में, ये आजकल के छपरी यूट्यूबर तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं गाइस, कोई भी किसी भी टॉपिक पे वीडियो बना के आपके दिमाग को झंड कर देते हैं। और अगर तुम्हें अपने फायर बटन साइज प्लेस अच्छे से रखना है ना, तो मेरा एक ही आंसर है, अपने फायर बटन को कभी छेड़ो मत, एक ही साइज रखो और ऐसी जगह पे रखो जहाँ ड्रैग करने का स्पेस मिले। और बार बार फायर बटन चेंज करते रहोगे ना तो खाली बस आपकी स्क्रीन ऊपर जाएंगी, आपका फायर बटन नहीं चलेगा। सेम चीज मेरे साथ भी यही होता है, मैं फायर बटन के साथ छेड़खानी करता हूँ तो मेरी खाली स्क्रीन ऊपर जाती है और मेरी पेटी बन जाती है कुछ इस तरह। तो इससे अच्छा है कि फायर बटन को एक ही जगह पर रखे और इसी जगह पर प्रैक्टिस करो, बस आपको ड्रैग सही से करना है,
हेडशॉट्स के लिए और कुछ दैट्स इट, इतना काफी है ब्रो। और रही बात आपके एक्यूरेसी की, तो उस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके उसे जरूर देखना। एंड सॉरी मैं वीडियोस अपलोड करना बंद कर दिया था बिल्कुल, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी गाइस, बट अब मैं ठीक हो गया हूं और अब से डेली वीडियोस आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।